जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि आप फिट होंगे, स्वस्थ होंगे और सेहतमंद होंगे। तो मैं सुबह उठा और ब्रश किया, और मैं ब्रश बाहर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आज धूप आ रही है इसलिए। तो फिर मम्मी दूध चाय लाए और फिर मैंने दूध चाय पी। मैं स्कूल गया था तो आज मैं वीडियो नहीं बना पाया, इसलिए मैं आज मम्मी से बातचीत करूँगा और मम्मी से पूछूंगा कि मैं व्लॉगिंग कर रहा हूँ तो उनको कैसा लग रहा है। तो आइए सुनिए मैं मम्मी से क्या बात। तो मम्मी आपको कैसा लग रहा है मैं व्लॉगिंग कर रहा हूँ? पनीर की सब्जी बना रही है और मम्मी पनीर की सब्जी में क्या क्या डालती है मम्मी से पूछते। तो मम्मी पनीर की सब्जी में आप क्या डाल रहे हो? सबसे पहले जीरा डाला, लाल खड़ी मिर्ची डाली, इन दोनों को अच्छा पकाया, उसके बाद लहसुन और अदरक डाले, इन दोनों को भी अच्छा पकाया जिससे इसमें कच्चा पनीर है और ये अच्छी ब्राउन हो जाए जिससे इस सब्जी का टेस्ट अच्छा आएगा। उसके बाद हरी मिर्ची डालेंगे, हरी मिर्ची को भी पकाएंगे, जब तक पकेगी इसको ऐसे ही हिलाएंगे। हरी मिर्ची पकने के बाद इसमें प्याज डालेंगे, प्याज को सारे मसाले को अच्छा ब्राउन करेंगे जिससे इसका टेस्ट अच्छा आएगा और इसकी ग्रेवी अच्छी बनेगी। इसके अंदर टमाटर डाले, टमाटर को अच्छा पकाया। तो मम्मी आपने ये खाना बनाना कहाँ से सीखा? ये मैंने तेरी नानी से सीखा, नानी बहुत अच्छा खाना बनाती है। मेरे को भी उनके नानी के हाथ के आलू के पराठे बहुत पसंद है। फिर इसमें नमक डाला, नमक डालने से टमाटर जल्दी पकते हैं। फिर इसमें हल्दी डाली, हल्दी डालने के बाद इनको हिलाया और इस ग्रेवी को अच्छी से पकाई। इसके पक जाने के बाद इसको मिक्सर में ग्राइंड करके इसकी ग्रेवी बनाएंगे। पनीर के छोटे छोटे पीस करेंगे, उसके बाद इसको तेल में फ्राई करेंगे, इसको ब्राउन होने देंगे जब तक इसको अच्छा सा फ्राई करेंगे। जिस तेल में पनीर फ्राई करे उसी तेल में हम जीरा डालेंगे। जीरा डालने के बाद कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे, कश्मीरी लाल मिर्च पकने के बाद इसके अंदर वही ग्रेवी डाल देंगे जो हमने बनाई थी मिक्सर में, सब मसाले को ऐड करके।
इस ग्रेवी को अच्छे से पकाएंगे। इसको पकने के बाद इसके अंदर जो फ्राई करा हुआ पनीर था वो डालेंगे। पनीर को अच्छा सा हिला के इसको पकाएंगे, जिससे कि पनीर के अंदर इस मसाला अंदर तक पहुंच के अच्छा टेस्ट आ सके। इसके अंदर काजू का पेस्ट डालेंगे। काजू का पेस्ट डालकर इसको अच्छे से पकाएंगे। काजू के पेस्ट डालने से इसमें काजू का अच्छा फ्लेवर आएगा, उससे इसमें शाही टेस्ट हो जाएगा, इसका शाही पनीर बनेगा। इसको अच्छा सा पकाएंगे। इसके अंदर डाला सूखा धनिया पाउडर। सूखा धनिया पाउडर डालने के बाद डाला इसके अंदर गरम मसाला। गरम मसाला ऐड करने के बाद इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसको पकाएंगे थोड़ी देर। थोड़ी देर पकने के बाद इसके अंदर हमने क्रीम तो नहीं डाली है, पर घर पे रखी हुई मलाई जरूर डाली है, इससे इसका टेस्ट और भी अच्छा आएगा। मलाई डालने से इसका कलर चेंज हो जाएगा, वो कलर बहुत अच्छा आएगा। इसके बाद इसे अच्छी तरह से पक गया, इस पे हरा धनिया डाल दिया। आप सभी को मेरी मम्मी की रेसिपी और हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।